हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. माई सेल्फ हिना देसाई फ्रॉम अश्वमिक विद्यालय. टुडे वी लर्न स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम हॉर्नबिल्स बुक चैप्टर नंबर 6 द ब्राउनिंग वर्जन. दिस ब्राउनिंग वर्जन इज एन एक्सेप्ट टाइप लेसन. मीन्स वो ब्राउनिंग वर्जन जो प्ले है उसमें उसका एक छोटा सा टॉपिक उठा के यहाँ पे रख दिया गया है. एंड इट्स रिटन बाय ट्रेंस रेटिंगन. वी डिस्कस इन लास्ट लेक्चर द कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन. फ्रैंक टैपलॉन एंड मिस्टर क्रॉकर हैरिस एंड हिज वाइफ मिसेस क्रॉकर लिली क्रॉकर्स हैरिस इज मेन कैरेक्टर ऑफ दिस प्लॉट. ओके. एंड वी ऑल्सो सी दैट फ्रैंक एंड मिस्टर क्रॉकर हैरिस बोथ आर टीचर. ओके. एंड दैट फ्रैंक इज यंग टीचर एंड क्रॉकर हैरिस इज मिडल एजेड एंड टैपलो ऑन स्टूडेंट. एंड फ्रैंक एंड टैपलो बोथ आर डिस्कसिंग एंड ही डिस्कस अबाउट डेट मिस्टर क्रॉकर हैरिस. वो कैसे टीचर है उसके बारे में वो दोनों डिस्कस करते हैं. ओके. सो टुडे वी स्टार्ट हियर. वी सी इन अवर नेक्स्ट लेक्चर अवर लास्ट लेक्चर हियर. फ्रैंक आई मस्ट एडमिट आई एनवी हिम. The effect he seems to have on you boy in the form. Means वो जो फ्रैंक टीचर है वो टैपलो को बोलता है कि I must admit and I envy. Envy means jealousy. वो मिस्टर फ्रैंक है वो जो फ्रैंक टीचर है वो jealousy फील करता है किसे जो मिस्टर क्रॉकर हैरी है उसे कि जो क्रॉकर हैरिस है उसका इतना ज्यादा इफेक्ट वो बॉयज पे दिख रहा है. यू ऑल सीम स्कैड टू डेथ ऑफ हिम. यू ऑल सीम स्कैड. स्कैड मीन डर जाना घबरा जाना. कि यू ऑल सीम स्कैड टू डेथ ऑफ हिम. कि आप लोग मिस्टर क्रॉकर हैरिस से इतना डरते हो इतना स्कैड होते हो कि जाने कि आपकी डेथ ही हो जाए आप मर ही जाओगे इतना आप डरते हो. व्हाट डज ही डू. बीट यू ऑल और समथिंग. मिस्टर फ्रैंक सेज टू टैपलो डेट के मिस्टर क्रॉकर हैरिस वो आपको बीट या आपको पनिशमेंट में मारते हैं या फिर कुछ और करते हैं. टैपलो गुड लॉर्ड नो. के नो He is not doing like that. He is not a sadist like one or two of the others. Sadist means the person who give another person pain and herself or himself became happy. Means दूसरों को painful हम पहुंचाए और खुद happy हो ऐसा sadist person वो Mr. Crocker Harris नहीं है. Like one or two of the others. बाकी एक दो टीचर्स हैं जो ऐसे हैं वो सैडिस्ट है कि स्टूडेंट को परेशान करते हैं और वो खुद हैप्पी होते हैं लेकिन मिस्टर क्रॉकर ऐसे टीचर्स नहीं है. फ्रैंक आई बेग योर पार्डन. कि तुमने जो अभी बोला वो फिर से रिपीट करो. पार्डन मीन्स रिपीट करो. टैपलो सेड अ सैडिस्ट सर is someone who gets pleasure out of giving pain. टैपलो रिप्लाई करता है क्या सैडिस सर. कि someone who gets pleasure out of giving pain. कि जो ऐसा टीचर है सभी कि दूसरों को पेन देते हैं और giving pain to someone and became pleasure happy. Frank indeed. But I think you want on to say that someone other's masters. Frank says,
says, but I think you want to say that someone other master. So Taplow says, well, of course they are, sir. I won't mention name, but you know them as well as I do. Taplow reply करता है कि of course sir, they are ऐसे teacher है, and I won't mention name. I don't take their name, but you know, and as well as I also know the name of their teachers. Of course, I know most masters think we boys don't understand a thing, but sir, you are different. You are well, comparative anyway, and you are science. You must know what sadism is. So, Taplow, वो मिस्टर जो फ्रैंक टीचर है उसको जो रिप्लाई करता है वो Taplow बोलता है कि यू ऑल्सो नो कि वो जो टीचर है वो सैडिस्ट, कौन कौन से टीचर सैडिस्ट है. अफकोर्स आई नो मोस्ट ऑफ मास्टर थिंक वी बॉयज डजंट अंडरस्टैंड. सो मेनी टीचर, मोस्ट ऑफ टीचर थिंक दैट वी ऑल स्टूडेंट नॉट अंडरस्टैंड, बट सर यू आर डिफरेंट. कि बोलता है कि Taplow कहता है कि सर आप उसमें से अलग हो, बिकॉज यू आर यंग, कि आप यंग हो और एज वेल एज कंपेरेटिवली एनी वे एंड यू आर साइंस, और कंपेरेटिवली दूसरों की कंपेरिजन में आप सबसे अलग हो और आप यंग हो एज वेल एज यू आर अ साइंस टीचर, योर सब्जेक्ट इज साइंस. यू मस्ट नो वॉट सैडिज्म इज, और बोलता है कि आप साइंस टीचर हो इसीलिए आप अच्छी तरह से जानते हो कि वॉट इज सैडिज्म. फ्रैंक आफ्टर अ पॉज, कि आफ्टर अ पॉज मीन्स थोड़ी देर रुक जाता है जो फ्रैंक है वो, और बाद में बोलता है गॉड लॉर्ड वॉट आर अवर स्कूल्स कमिंग टू, कि हमारे स्कूल का क्या होगा. Taplow द क्रॉक इजंट सैडिस्ट, Taplow कहता है कि कुछ भी हो जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो सैडिस्ट नहीं है. दैट्स वॉट आई एम सेइंग, इसीलिए मैं कहता हूँ ही वुड नॉट बी सो फ्राइटनिंग इफ ही वर, बिकॉज एटलीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स, बट ही हैजंट, ही इज All shivered up inside like a nut, and he seems to hate people to like him. It's funny that I don't know any other masters who doesn't like being liked. Okay, तो Taplow बोलता है कि anyway the Crocker isn't sadist, कि जो Mr. Crocker है जैसे वो sadist type के नहीं है. That's what I am saying. कि इसलिए मैं कहता हूँ ही वुडंट बी सो फ्रेटनिंग इफ वी और बिकॉज एटलीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स, कि जो क्रॉकर सैरीज है वो सैडिस्ट नहीं है और उसे डरता भी नहीं हूँ, बिकॉज एटलीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स, बिकॉज ये इतना तो दिखा थे उसमें कुछ फीलिंग्स है, बट ही हैजंट, लेकिन वो शो अप नहीं करते. ही इज ऑल शिवरिस्ट अप Inside like a nut, कि वो shivered up means having some feelings. Inside like a nut, वो उसको अंदर से feeling है लेकिन वो बाहर से nut जैसे दिखते हैं. And he seems to hate people to like him, और वो सब people को hate करते हैं, वो उसको भी hate करते हैं जो people उसको like करता है. It's funny that I don't know any other master who doesn't like being kind, like. कि जो मिस्टर क्रॉकर सैरिस है वो ऐसे टीचर है कि वो उसके अंदर फीलिंग्स है लेकिन वो नट जैसे है, वो फीलिंग्स अपनी दिखाते नहीं है और वो सबको, सब पीपल को हेट करते हैं. जो पीपल उसको लाइक करता है उसको भी वो हेट करते हैं, वो भी एक फनी थिंग्स है उसमें, फिर भी वो जो Taplow है वो उसको लाइक करता है. नेक्स्ट पेज, फ्रैंक
And I don't know any boy who doesn't use that for his own purposes. और फ्रेंक कहता है कि एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डजंट यूज दैट फॉर हिज ओन पर्पज, कि जो कितने भी बॉयज है स्टूडेंट है वो अपने पर्पज के लिए अपने ओन कुछ फायदे के लिए उसका यूज करते हैं. टैपलो सेज वेल इट्स नेचुरल सर बट नॉट विद द क्रॉकर, कि टैपलो बोलता है कि यस इट्स नेचुरल बट मिस्टर क्रॉकर हैरिस है उसके साथ ऐसा नहीं होता, वो ऐसे नहीं है. फ्रैंक सेज मिस्टर क्रॉकर सॉरी बट नॉट विथ द क्रॉक. फ्रैंक सेज मिस्टर क्रॉकर हैरिस, फ्रैंक कहता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस मीन्स जो टैपलो बोलता है ना कि इट्स नेचुरल सर बट नॉट विथ द क्रॉक. क्रॉक इतना बोला तो वो फ्रैंक कहता है कि टैपलो को कि अपने टीचर का नाम ठीक ढंग से लो, नॉट अ क्रॉक बट से मिस्टर क्रॉकर हैरिस. टैपलो सेज मिस्टर क्रॉकर हैरिस द फनी थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रदर लाइक हिम, आई कांट हेल्प इट एंड समथिंग आई थिंक ही सीज इट एंड दैट सीम्स टू स्टीवलर हिम अप इवन मोर, कि क्रॉकर हैरिस है द फनी थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रदर लाइक हिम, कि जो फनी थिंग तो ये है कि मैं ये सब कुछ जानता हूँ इन स्पाइट ऑफ एवरी थिंग आई रदर लाइक हिम, फिर भी मुझे जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो पसंद है. आई कांट हेल्प इट एंड समथिंग समटाइम्स आई थिंक ही सीम्स इट, और वो फिर भी वो कुछ हेल्प नहीं कर सकता और वो जानते हैं सब कि मैं उसको लाइक करता हूँ. आई थिंक ही सीज इट और वो भी जानते हैं एंड देयर सीम्स टू रिवील हिम अप इवन मोर. रिवील अप मीन्स बिकम ड्राई एंड वीकनेस, और उसी वजह से वो मेरी तरफ से वीकेट है. फ्रैंक सेज आई एम श्योर यू आर एग्जैग्रेटिंग, कि यस आई एम श्योर मैं जानता हूँ यू आर एग्जैग्रेटिंग मीन्स कि यू आर ओवरस्टैंडिंग और यू आर अबूस्टिंग. टैपलो नो सर आई एम नॉट, इनफॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जॉक. टैपलो कहता है कि वन डे मिस्टर क्रॉकर हैरिस मेड अ क्लासिकल जॉक्स इन अवर क्लासरूम. Of course, nobody laughed because nobody understand it. And at that time, no student laughed because nobody understand his jokes. And myself include still. मुझे भी वो समझ में नहीं आया था. I know he had meant it as funny. कि मैं जानता था it means funny है वो jokes. So I laugh. Out of ordinary common politeness and feeling a bit sorry for him for having made a poor joke. कि out of ordinary common politeness, कि वो मैं ordinary ही politeness से politenessly feelings और say sorry because I nobody understand his jokes and I am also not understand but it's funny. I think it's funny and I laugh. For that I feel sorry. But it's so poor jokes that nobody laugh. But I laugh. Now I can't remember what the joke was. And the tableau says I also not remember what was the jokes. वो joke क्या था? वो मुझे अभी याद भी नहीं है. फिर भी मैं हंस रहा था. But suppose I make it. वो टैपलो मिस्टर फ्रैंक से कैसा है कि सब थिंग सपोज आई मेक इट कि मैं अभी वही जोक्स आपको सुनाऊ. नाउ यू लाफ सर, और वो फ्रैंक जो फ्रैंक है उसको कहता है कि वो जोक्स मुझे अभी पता नहीं है लेकिन सपोज आई मेक इट मैं वो जोक्स आपको सुनाऊ तो आप हंसोगे. और मिस्टर फ्रैंक है वो टीचर, वो ऐसे ही हंसते हैं लाफिंग करते हैं. फ्रैंक laps.
Taplow, in a gentle, throaty voice. Taplow, वो फिर से मिस्टर क्रॉकर हैरिस की कॉपी करते हुए बोलता है. Taplow, you laugh at my little joke. I notice. कि Taplow, you are laughing at my joke and I see this. I must confess that I am pleased at the advance your Latin has made since you so readily have understood what the rest of the form did not. कि वो Taplow laughing करता है तो Mr. Crocker है says Taplow you laugh at my little joke. I notice. I must confess that I am pleased at the advance your Latin has made since you readily and जो Latin है वो अभी तुम्हें समझ में आने लगी है कि you understand the Latin and you ready for it and perhaps now you would be good enough to explain it to them and say and also said that Mr. Crocker Harris कि अब तुम जो लेटिन है वो तुम समझ में आने लगी है तुझे, इसीलिए तू जॉक्स पे हंसा था और आई होप कि अभी तुझे वो सब एक्सप्लेन में तुझे सब समझ में आ जाए सो दैट दे टू कैन शेयर योर प्लेजर और वो मैं आपसे शेयर करता हूँ. द डोर अप राइट इज प्लेजर अपॉन एन मिली क्रेकर हैरिस एंटर्स. द डोर अपराइट इज पुश्ड ओपन एंड मिली क्रॉकर हैरिस एंटर. ये मिस्टर मिली क्रॉकर हैरिस, वो जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है उसकी वाइफ है, वो एंटर होती है. शी इज एन थीन वुमन इन हर लेट थर्टीज rather more smartly dressed than the general run of schoolmasters' wives. कि जो Taplow वो फ्रैंक के साथ डिस्कस करता है तभी वो मिसिस मिली क्रॉकर हैरिस जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ है वो वहां आ जाती है. वो जो सभी स्कूल्स के वो सभी टीचर्स है, वो मिली क्रॉकर हैरिस है, वो जो हेडमास्टर है स्कूल हेडमास्टर उसकी वाइफ है और वो सभी टीचर्स से उसमें से ज्यादा ब्यूटीफुल है और वो स्मार्टली ड्रेसअप करती है. इन दिस पैराग्राफ डिस्क्राइब मिस्टर क्रॉकर हैरिस की शी इज अ थीन वुमन इन हर टीन्स रादर मोर स्मार्टली ड्रेसअप देन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स वाइफ. शी इज वियरिंग अ कैप एंड carrier a shopping basket and she is wearing a cap. Cap means a one type of shrug and carries a shopping basket. She closes the door and then stand by the screen watching. और वो door close करती है और वहां पे standing होके वो watching करती है. Taplow and Frank, वो Taplow और Frank को देखती है, उसकी तरफ देखती है वो. It is a few second before they notice her and after a few second both notice कि Mrs. Millie Crocker Harris was there. Frank, come along. Taplow moves slowly above the desk. Taplow स्लोली मूव करता है और डेस्क की तरफ देखता है. डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जॉक टू योर सेल्फ टेल द अदर. वो जो फ्रैंक है वो Taplow को कहता है कि डोंट बी सेल्फिश कीप द जॉक्स फॉर ओनली नॉट टू कीप अ गुड जॉक टू योर सेल्फ बट टेल द अदर पर्सन ऑल्सो. He breaks off suddenly, noticing Millie. Oh Lord! And break up suddenly, notice that Millie was there, and said, "Oh Lord!" Frank
Frank turns quickly and see him infinitely relieved at seeing Millie. And the student Taplow and Frank teacher wo see the Mr. Millie was there. Frank says, "Oh, hello." And Millie reply without expressing hello. She comes down to the sideboard and put her basket on it. Taplow, moving up to left of Frank, whispering frantically, "Do you think she heard?" Taplow कहता है कि moving up to left of Frank, कि वो left जो Frank है उसकी तरफ moving करता है whispering, वो था murmuring and say they do you think she heard? उसने कुछ सुना होगा. Frank shakes his head comfortingly. Millie takes off her cap and hang it on the hall stand. जो मिस्टर मिली क्रॉकर हैरी है, मिसेस क्रॉकर हैरिस, जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ, वो अपनी कैप को हैंग करती है. आई थिंक शी डिड, शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम. Taplow, इफ शी डिड एंड शी टेल हिम देयर गोज माई रिमूव. कि Taplow कहता है कि अगर इसने सुन लिया और वो जो पता चल गया तो मेरी जो वैल्यू है, मेरे जो मार्क्स है, रिमूव मीन्स कि वो परसेंटेज, जो हमारे 80% आते हैं तो डिस्टिंक्शन बोलते हैं, तो उसी तरह के रिमूव है, वो एक परसेंटेज मार्क्स है. फ्रैंक, नॉनसेंस, ही क्रॉसेस टू द फायरप्लेस. मिली टेक द बास्केट फ्रॉम द साइडबोर्ड, मूव्स अबोव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट. मिस्टर दैट मिली क्रॉकर्स टेक बास्केट फ्रॉम द साइडबोर्ड एंड मूव अबोव टेबल एंड पुट द बास्केट ऑन इट. मिली टू Taplow, वेटिंग फॉर माई हस्बैंड. मिली Taplow से बोलती है कि यू आर वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, मीन्स यू आर मिस्टर क्रॉकर हैरिस. Taplow, moving down left to the table and yes, yes. Millie, he is at the Bursars and might be there quite a time. If I were you. Millie to Taplow, waiting for my husband. Taplow, moving down left of the table. Yes, Millie, he is at the Bursars and might be there quite a time. If I were you, had go. मिस्टर जो मिसेस मिली है वो कहती कि हाँ, मिस्टर क्रॉकर हैरी है वो अभी गए और वो थोड़ी टाइम के बाद आएंगे, तो तू बाहर जाके खेल सकता है. Taplow, डाउटफुली, ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम. मिली रिप्लाइड, वेल, Why don't you run away for a quarter of an hour and come back? Ki you go outside and come back. She unpacks some things from the basket. Taplow, supposing he gets here before me. Taplow kehta hai ki suppose he come here before me, then what? Millie smiling. I will take the blame. Yeah, मैं जो कुछ होगा वो सब ब्लेम मैं मेरे ऊपर ले लूंगी. अभी तुम जाना चाहते हो तो तुम बाहर जा सकते हो. She take a prescription out of the basket. Prescription means list of medicine. वो एक basket में से prescription निकालती है. I tell you what, you can do a job for him. Take this prescription to the chemist and get it made up. कि जो मिसेस मिली क्रॉकर हैरिस है वो Taplow से कहती है कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन है ये तुम लो और वो केमिस्ट की मीन्स की दवाई की दुकान के पास जाओ और वो लेके आओ. उससे पहले जो वो दवाई, ऐसे तो वो दवाई नहीं चाहिए लेकिन
जो अगर मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो टैपलॉन से पहले आ गए तो मिस्टर जो मिसेस मिली है वो ब्लेम उसके ऊपर ले लेंगी और बोलेगी कि उसको मेडिसिन लेने के लिए भेज दिया है। टैपलो ऑल राइट मिस्टर क्रॉकर हैरिस ही क्रॉसिस टूवर्ड्स द डोर अप राइट ऑल राइट मिसेस क्रॉकर हैरिस ऐसा करके वो टैपलो जो डोर क्रॉस करके चला जाता है। एंड हियर वी स्टॉप अवर लेसन। ओके सो इन होल लेसन वी सी द डिस्कस अबाउट द टैपलो स्टूडेंट एंड जो फ्रैंक टीचर है वो दोनों टैपलो और फ्रैंक वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस नाम के वो टीचर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। के जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप के टीचर है और अदर टीचर उसको सैडिस्ट बोलते हैं लेकिन वो रियल में सैडिस्ट नहीं है। उसके अंदर फीलिंग्स है लेकिन वो शो अप नहीं करती। वो ऐसे पर्सन है कि जो दूसरा कोई उसको लाइक करता है वो भी उसे पसंद नहीं है। लाइक दैट पर्सनैलिटी। एंड जो मिसिस मिली क्रॉकर हैरिस है वो उसकी वाइफ है। उसका जो नेचर है वो कैरिंग नेचर है। ठीक कैरिंग एंड हेल्पफुल नेचर। ओके सो हियर वी स्टॉप एंड वी विल सी द क्वेश्चन आंसर इन अवर नेक्स्ट लेक्चर।